दक्षिण दिल्ली जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक ऐसे चेन झपटमार को गिरफ्तार किया है जो खुद वारदात को अंजाम देता था और भागने के लिए खुद ही दौड़ लगाकर पकड़ो पकड़ो और चोर चोर चिल्लाकर भाग जाता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। आरोपी की पहचान संगम विहार निवासी हरीश उर्फ मोनू के रूप में हुई है। आरोपी की खास बात यह है कि वो एक 5-स्टार होटल में शेफ भी है, लेकिन इसके बावजूद वो मोबाइल चेन व अन्य चीजों की स्नैचिंग करता था। इसके साथ पुलिस ने रिसीवर भी गिरफ्तार किया है जो स्नैचिंग के माल को खरीदता था। पुलिस को आरोपी के पास से कई चोरी के मोबाइल व अन्य सामान बरामद हुए हैं। मेहरौली बदरपुर रोड पर अंबेडकर नगर बस स्टैंड और साकेत मेट्रो स्टेशन के आसपास सुबह और शाम सैर या ऑफिस जाने वाली महिलाओं को टारगेट करके चेन और मोबाइल फोन छीनने वाले झपटमार ने आतंक मचा रखा था। झपटमारी की वारदातों पर अंकुश लगाने और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का काम स्पेशल स्टाफ दक्षिण जिला को सौंपा गया। ACP बिजेंद्र सिंह की सुपरविजन और स्पेशल स्टाफ दक्षिणी दिल्ली इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नेतृत्व में ASI संजय सिंह, ASI जोगिंदर सिंह, ASI अशोक, ASI अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल संजय, हेड कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल अखिलेश, कांस्टेबल पुष्पेंद्र, कांस्टेबल लक्ष्मी, कांस्टेबल अनूप मीना और कांस्टेबल रोशन की एक टीम बनाई गई। पुलिस की एक टीम इस स्नैचर को पकड़ने के लिए बीते एक महीने से सैकड़ों CCTV फुटेज को खंगाल रही थी, जिससे उन्हें पता चल सके कि आरोपी किस वक्त, किसी समय और किस जगह पर वारदात को अंजाम देता है। आखिरकार पुलिस को इन CCTV फुटेज व अन्य तरीकों से आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगा। 21 सितंबर को हेड कांस्टेबल संजय, कांस्टेबल अखिलेश और कांस्टेबल संदीप धायल को सीक्रेट इनपुट मिला कि हरीश उर्फ मोनू नामक व्यक्ति स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा है और 7:10 पुलिस थाना नेबसराय इलाके में मेहरौली बदरपुर रोड पर SDM ऑफिस के पास सिटी फॉरेस्ट पार्क के बाहर चेन और मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने आएगा। साथ में यह भी पता चला कि आरोपी हमेशा अपने पास हथियार भी रखता है। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए सिटी फॉरेस्ट गेट के सामने SDM ऑफिस के पास MB रोड पर अपना जाल बिछाया। शाम करीब 7:25 सैनिक फार्म गेट नंबर 2 की ओर से एक दुबला पतला व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। मुखबिर ने उसकी पहचान हरीश उर्फ मोनू के रूप में की। पुलिस ने होशियारी से उसे घेर लिया। जब आरोपी को एहसास हुआ कि वो घिर गया है तो उसने अपना देशी कट्टा निकाल लिया। हालांकि इसी बीच में ASI संजय, हेड कांस्टेबल संजय, कांस्टेबल अखिलेश और संदीप ने मौका देखकर आरोपी के हाथ से पिस्तौल छीन ली। पिस्तौल को खाली करने पर पुलिस को 0.32 बोर का कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 35 वर्षीय हरीश उर्फ मोनू पुत्र चंदर सिंह चौहान मकान नंबर L-58 गली नंबर 13 संगम विहार नई दिल्ली के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना नेबसराय में FIR संख्या 395/21 अंडर सेक्शन 506/411 और 25/27, 54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी हरीश उर्फ मोनू ने खुलासा किया कि उसने थाना नेबसराय इलाके में सोने की 3 चेन छीन ली थी और साथ में यह भी खुलासा किया कि चोरी का सामान संगम विहार इलाके में सुनार की दुकान चलाने वाले राजेंद्र अग्रवाल नामक व्यक्ति को बेच दी है। आरोपी के कहने पर L-1 ब्लॉक संगम विहार निवासी राजेंद्र अग्रवाल पुत्र लेफ्टिनेंट बाबू लाल अग्रवाल को भी चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी हरीश उर्फ ने खुलासा किया कि वो जन्म से ही संगम विहार इलाके में रह रहा है और उसने 2006 में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस से डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके अलावा उसने इसी साल पूसा से होटल मैनेजमेंट का 3 साल का डिग्री कोर्स भी पूरा किया है। ग्रेजुएशन और होटल मैनेजमेंट डिग्री कोर्स पूरा करने के तुरंत बाद उसने IGI एयरपोर्ट पर होटल ओबरॉय में शेफ के रूप में काम करना शुरू कर दिया। तब से वो वहां काम कर रहा है और अच्छा वेतन भी पा रहा है। लगभग 2 साल पहले उसने ऑनलाइन जुआ ऐप सटॉकिंग के माध्यम से जुआ खेलना शुरू किया। शुरू में 1-2 बार जुआ में उसकी जीत हुई और लालच में वो जुआ खेलता चला गया, लेकिन उसके बाद बार बार जुए में हारने की वजह से उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया था। इसलिए अपना कर्ज चुकाने के लिए उसने मेहरौली बदरपुर रोड पर अंबेडकर नगर बस स्टैंड और साकेत मेट्रो स्टेशन के आसपास सुबह और शाम सैर या ऑफिस जाने वाली महिलाओं को टारगेट करके चेन और मोबाइल फोन छीनकर पैसे कमाने का एक आसान तरीका चुना। चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी राजेंद्र अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि वह राजस्थान का रहने वाला है और लंबे समय से संगम विहार इलाके में रहकर सुनार की दुकान चलाता है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, एक कारतूस, छीने गए 5 मोबाइल फोन और 4 गोल्ड चेन भी बरामद की गई हैं।
इसकी गिरफ्तारी से थाना मेहरोली के 6, थाना नेपसराय के 4 और थाना साकेत, थाना आम्बेडकर, थाना संगम विहार, थाना तिगड़ी के 1-1 कुल 14 मामले सुलझ गए हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।